नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ पर बढ़ गया ब्याज। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यायसी बोर्ड ने ब्याज दरों में ऐलान कर दिया है। लगभग 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। कर्मचारियों की भविष्य निधि में 0.10% ब्याज की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पीएफ अकाउंट पर अब 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले ये दर 8.15% थी, जिसमें अब 0.10% की बढ़ोतरी की गई है। बजट सत्र में रहेगा पुलिस का फेरा, सत्र के लिए तैनात होंगे 500 जवान। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिमला में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शिमला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सहित ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी है। 14 से 29 फरवरी तक विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिकारियों सहित करीब 500 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस थाना और पुलिस चौकी प्रभारियों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल, गुरुद्वारे, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान बिना पास के कोई भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान 14 से 29 फरवरी तक शिमला शहर में पुलिस का पहरा रहेगा। अब 5.5 साल के बच्चे को पहली एडमिशन पहले लिए गए कैबिनेट के फैसले में हुआ बदलाव। हिमाचल में अब नए शिक्षा सत्र से 5.5 साल की उम्र के बच्चे भी पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। इस बारे में पिछली कैबिनेट में लिए गए फैसले में हल्का संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग की चर्चा कम्प्लीट होगी और सोमवार को नए निर्देश जारी हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह कि आयु सीमा में ये छूट सिर्फ एक सत्र के लिए इसी साल मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान के अनुसार पहले कक्षा में एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र की पात्रता तय की है, लेकिन इस बार इस आयु सीमा में छूट देने की डिमांड उठ रही थी। पिछली कैबिनेट में ये मामला गया था और उसमें जिस फॉर्मेट को अप्रूव किया गया था उससे मसला और उलझ जाना था, इसलिए शिक्षा विभाग ने पहले सरकार से चर्चा करना ठीक समझा। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इस बारे में चर्चा पूरी होगी है। अब ये सहमति बनी कि जो बच्चा 1 अप्रैल को 5.5 साल की अवधि पूरी कर लेगा उसे पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी, यानी पिछले 30 सितंबर को पैदा हुए बच्चे भी 1 अप्रैल से एडमिशन के लिए पात्र हो जाएंगे। जेवाईटी सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन शुरू। जेवाईटी पोस्ट कोड 817 सहित अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान लगभग 200 अभ्यर्थी शनिवार से चौड़ा मैदान में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार रिजल्ट नहीं निकालती है तब तक ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों से बारी बारी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। हालांकि इससे पूर्व बीती रात से दोपहर तक ही अभ्यर्थी सचिवालय के समीप गुरुद्वारा के समीप ही बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में ये अभ्यर्थी यहाँ बैठे रहे। इस दौरान 3 लड़कियों की तबीयत भी बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया है, लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने बीते शुक्रवार को मामले पर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो इन अभ्यर्थियों को नामंजूर है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ठंड में भी रात भर सचिवालय के समीप बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। अभ्यर्थियों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभ्यर्थी लवनीश का कहना है कि दोपहर बाद एसपी शिमला संजीव गांधी उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है, इसलिए उन्होंने अभ्यर्थियों को अन्य स्थान पर बैठने के लिए कहा है, जिसके बाद वे चौड़ा मैदान में चले गए। इस दौरान उन्होंने छोटा शिमला से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा ने गठित की अनुशासन समिति, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग अध्यक्ष नियुक्त। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने हिमाचल में लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही बागियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया है। ये कमेटी पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में गठित की गई है।
तथा इसमें पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष धनेश वरी ठाकुर तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा नितेन कुमार को सदस्य बनाया गया है। ये समिति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा गठित की गई है। ये समिति पार्टी विरोधी कार्य करने वाले तथा संगठन में गुटबाजी करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर नजर रखेगी। साथ ही कोई भी नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस समिति के समक्ष पार्टी के उन लोगों की शिकायत कर सकेंगे जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। प्रदेश अनुशासन समिति इस शिकायत की पूरी जांच करेगी तथा उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को सौंपेगी। बढ़ेगी हिमाचल सरकार की कमाई, अब 50 नहीं 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलेगी जमीन की लीज। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लीज रूल्स को अमेंड किया है। अब फॉरेस्ट ट्रांसफर से मिलने वाली सरकारी जमीन का लीज रेट 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय कर दिया गया है। हालांकि पिछले साल ये दर 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी गई थी, लेकिन इतनी वृद्धि के बाद की अवधि में एक भी मामला लीज का क्लियर नहीं हुआ। ना ही ऊर्जा परियोजनाएं और ना ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए लीज पर जमीन गई। इसके बाद राजस्व विभाग ने सरकार को फीडबैक दिया और अब कैबिनेट ने 50 रुपए की दर को घटाकर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। इस संशोधन के साथ ही स्पष्ट हो गया है कि बिजली परियोजनाओं को अब बांध भूमि ट्रांसफर होने के बदले भी लीज एग्रीमेंट अलग से साइन करना होगा। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड, राजीव बिंदल ने लिया घटनास्थल का जायजा। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड मामले में शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने घटनास्थल का जायजा लिया। वे मौके पर लापता कामगारों के परिजनों से मिले। इसके बाद अस्पताल में भर्ती घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि सरकार को सर्च ऑपरेशन में तेजी लानी चाहिए ताकि लापता कामगारों का पता लगाया जा सके। हादसे को 9 दिन हो चुके लेकिन अभी भी कुछ लोग लापता है। राजीव बिंदल ने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 16 फरवरी तक मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर आया है, वहीं न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, बरोटीवाला व बद्दी में चिट्टे और गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार है। जिला बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चिट्टा व गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पहला मामला थाना बरोटीवाला में दर्ज हुआ है। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दोन पब्लिक स्कूल के समीप एक मोटरसाइकिल चालक नशा बेचने की फिराक में है। पुलिस ने शक के आधार पर मोटरसाइकिल चालक आदर्श कुमार उर्फ आशु पुत्र अशोक कुमार निवासी बग्गूवाला बरोटीवाला को रोका। जांच के दौरान उसके कब्जे से 1.42 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। दूसरा मामला थाना बद्दी के तहत दर्ज हुआ है। यहां बद्दी के बाद मांचो के समीप नेपाल के व्यक्ति से 234 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कंप्यूटर नहीं ओएमआर से पुलिस भर्ती, कैबिनेट के निर्देश, फिजिकल टेस्ट भी पुलिस विभाग लेगा। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से उठाई गई आपत्तियों को दूर करते हुए कैबिनेट ने नई व्यवस्था दी है। इस भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग खुद करेगा जबकि लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग लेगा। लिखित परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए नहीं होगी बल्कि ओएमआर की पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में छूट दे दी गई है। लोक सेवा आयोग से आपत्ति मिलने के बाद गृह विभाग ये मामला कैबिनेट में ले गया था ताकि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले शुरू हो जाए। पिछली बार पुलिस भर्ती पेपली के बाद मामला सीबीआई तक जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस बार लिखित परीक्षा से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने भर्ती के रूल बदले और परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग को रिक्वेस्ट भेजे। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड, बिल्डिंग को डिसमेंटल करते फिर भड़की आग, रोकना पड़ा काम। झाड़माजरी उद्योग अग्निकांड मामले में अभी भी आग सुलग रही है। शनिवार को जब एसडीआरएफ फायर विभाग की टीम ने बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का काम शुरू किया तो आग फिर से बढ़ गई। इसके चलते डिसमेंटल कार्य रोक दिया गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्योग में पड़े केमिकल कितने शक्तिशाली थे। बिल्डिंग की थोड़ी सी चिंगारी से भी दोबारा आग लग रही है।
जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ की टीम जैसे ही भवन में लगे एंगल को वेल्डिंग से काटने लगी तो एक छोटी सी चिंगारी उद्योग में जले हुए ड्रमों पर गिर गई और आग भड़क गई। इस कारण टीमों को एकाएक वाराना पड़ा व दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं एसपी वर्दी इल्मा फरोज ने बताया कि पूरी सुरक्षा के साथ कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सिरमौर के संगड़ा में सड़क हादसा, कार के खाई में गिरने से युवक युवती की मौत। सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। डीएसपी संगड़ा मुकेश डरवाल ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसा शनिवार शाम संगड़ा से कुछ किलोमीटर दूर ददाऊ हरिपुर धार मार्ग पर कालत में पेश आया है। यहाँ एक टाटा टियागो कार करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में सवार मुकेश उम्र 29 पुत्र जीत सिंह गांव मंडोली संगड़ा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि रजाना निवासी 19 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती को ददाऊ अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे नान के डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। यहां इलाज के दौरान युवती ने भी दम तोड़ दिया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट हिमाचल न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।